बिसम अल्लाम मैं हूँ शाकिर अबासी नाजरीन पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और स्पेशली जो क्रिकेट का टैलेंट है पाकिस्तान में उसमें उसकी तो बिल्कुल ही कमी नहीं है कुछ ही रोज़ कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई कि एक कश्मीर का नौजवान स्पिन बॉल कर रहा है और वो बॉल इतनी मूव हो रही है कि हर बंदे ने उसकी तारीफ़ किए बगैर वो रह नहीं सका और आज हम उसी शख्सियत से आपको मिलवाने के लिए लेकर आए हैं कि ये पाकिस्तान का उबरता हुआ टैलेंट जो इन जल्द ही पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा इंटरनेशनल लेवल पर आज हमारे साथ मौजूद हैं तो बाकी की बातें उन्हीं से करते हैं आ, तो हम रुख करते हैं आपके बत की तरफ जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि ये इनके पास जो हुनर है माशाल्लाह इनके हमने देखा कि स्पिन बॉल इतनी मूव करती है आ, कौन कौन सी वाइटीज़ हैं इनके पास और इनके आगे जो जो मुस्तबिल के इरादे हैं वो क्या हैं ये तमाम तरह चीज़ें इनसे जानते हैं असलम वैलैक्म मुझे ये बताएं कि आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई है आज हमने आपके साथ नेट प्रैक्टिस भी की और देखा भी कि आपकी माशाल्लाह जो जो है वो काफ़ी है कौन कौन सी वाइटीज़ आप कर सकते हैं जी मैं लेग स्पिनर होने के नाते तो से सारी वरायटीज़ कर लेता हूँ मैं लेग ब्रेक फ्लिपर टॉप ब्रेक और गूगली कर लेता हूँ अच्छा सबसे जो आपकी अच्छी जिस जिसपे आपकी ग्रिप ज्यादा हो कि वो बाल आपकी आप कहते हैं यार ये मेरे बेस्ट है वो कौन सी है जी गूगली मेरे बेस्ट है अच्छा तो किससे इंस्पायर हुए हैं बेसिकली आप बेसिकली मैं शेरवान से हुआ। उसको देखे। आपने उनको टी वी पर देख के आप उनसे मुतासर हुए या आपने प्रॉपर ये बॉलिंग भी कहीं से सी, सी की है नहीं टी वी से देख के मुतासर हुआ। कैसे आपने कैसे मुतासर हुए उनकी अच्छी बॉल क्या उनकी कारकर्दगी कैसी अच्छी लगी कौन सी उनकी बॉल ऐसी अच्छी लगी कि आप उनसे एकदम मुतासर हुए हालाँकि हमारे पास अब्दुल कादरी मौजूद थे दानश किनरिया ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की यासर शाह मौजूद हैं शदाब खान हैं तो आप क्या इनसे मुतासर नहीं हुए शैनवान से आप डायरेक्टली मुतार हो गए या आपने स्पेशली उनकी आप देखते हैं कि शनवान दोस्तों से अलग हैं जी शेनवान दूसरों से अलग थे इसलिए इसलिए मैं उनको ज़्यादातर शैनवान को ही देखता था और मैं शनवान से इंस्पायर हूँ और उन्हीं की तरह बॉलिंग करना चाहता हूँ अच्छा मुझे बताएंगे शैनवान जो है एक साइकोलॉजिकल गेम होती है क्रिकेट की तो वो उसकी उनकी जो आप कहते हैं दिमाग बहुत मज़बूत था कि अगले वो बैट्समैन को इतना प्रेशराइज़ कर लेते हैं खुद बुद्ध सात साथ उनकी बॉलिंग भी अच्छी थी लेकिन वो खुद वो खुद विकेट दे जाता था कि उनकी मतलब इतना प्रेशराइज़ करते थे तो वुर है आप में माशाला जी इनशाला मैं उन्हीं की तरह बॉलिंग करना चाहता हूँ अच्छा साथ ये बताएँ कि आपने की मैंने देखी है बैटिंग भी बड़ी अच्छी है माशाल्लाह तो आप एक क्या प्रॉपर बैट्समैन हैं या स्लॉगिंग करते हैं या एक प्रॉपर सही तरह की हिटिंग करते हैं जिस आखिरी जैसे ओवर्स में पाकिस्तान को एक स्ट्रॉग हिटर चाहिए होता है जी मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ और बैटिंग भी कर लेता हूँ मैं हिटिंग करता हूँ ज़्यादातर अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएँ कि सोशल मीडिया पर जब आपकी वीडियो वायरल हुई है रावलाकोट से आपका तल्लक है उसके बाद कितना आपको रिस्पॉस मिला और क्या किसी पाकिस्तान के हायर ऑफिशल ने या पी की तरफ आप से आपसे कोई रब्ता किया गया जी अभी तक ये पी सी बी की तरफ से रबता नहीं किया गया ये क्योंकि कश्मीर किंग की फ्रेंचाइज ने इधर मुझे बुलाया और इधर काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है कितना डिफरेंट है मतलब एक कश्मीर के इलाके से वहाँ पे आबो हवा भी मख्त होती है पिंडी में आके खेल रहे हैं तो कितना मख्तफ लग रहा है और कितना सीख रहे हैं यहाँ से आप जी इधर से काफ़ी कुछ सीख रहा हैं यासिर भाई ने मैंने काफ़ी हेल्प किया और काफ़ी मुझे सिखा रहे हैं और इधर का माहौल भी बहुत अच्छा है तो आगे इनशाला मतलब आप अपना जो चांस है आप बंदे को लग रहा होता है यार मेरे में इतना टैलेंट है इन शाला मैं आगे जाऊँगा क्या ख्वाब हैं आपके क्या फीलिंग्स हैं क्या ख्वाब हैं आपके जी ख्वाब तो मेरे यही है कि मैं इनशाला एक दिन पाकिस्तान का रिप्रेजेंट करूँगा थैंक यू वेरी मच हमारे साथ आकिब के कोच भी मौजूद हैं जो इनको यहाँ पर कैप में ट्रेनिंग करवा रहे हैं उनसे जानते हैं आकिब को कैसे कितना मुनफरद पाया आपने जो दूसरे बॉलर हैं उनसे और इनमें जो स्ट्रॉग चीज़ है वो क्या है और अगर इनमें कोई वीकनेस है तो वो क्या है असल सर मुझे ये बताएं कि माशा आपके पास हमने देखा सोशल मीडिया पर काफ़ी इस की जो वीडियोज़ हैं वो वायरल हो रही हैं काफ़ी टैलेंट उभरता हुआ नजर आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग चीज़ आपको इसमें क्या नज़र आई Uh, मेरे ख्याल से लेग स्पिन में जो सबसे स्ट्रांग चीज़ है उसका बॉलिंग बॉलर का कंट्रोल होता है लेग स्पिन पे लेग स्पिन है गुगली है फ्लिपर है तो आखिर आखिर के पास इन तीनों चीज़ों में ना कंट्रोल है ये इसकी बॉलिंग में एक खासियत है तो किस चीज़ पे अभी काम कर रहे हैं कि इसकी चीज़ जो मजीद बेहतर हो जाए बॉलिंग के साथ साथ हमारा एक शोभा और भी है कि फिज़िकल फिटनेस है अगर आप फिज़िकल फिट नहीं हैं अगर आप लंबी क्रिकेट खेलना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट है या वनडे है अगर उसमें आप फिज़िकल फिट नहीं होंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते क्रिकेट में अच्छा आपने इसकी बॉलिंग देखी आप खुद इसको मतलब साथ कोचिंग भी करें इसकी आ, तो क्या समझते हैं कि जो कि डिलीवरी है इसके पास वराइटीज़ हैं सबसे अच्छी वराइटी आप कह सकते हैं हाँ ये इसकी बेस्ट है जैसे आपने देखा ऑफ स्पिनर की दूसरा होती है लेग स्पिनर की गुगली होती है इस फ्लिपर होता है इसकी कौन सी स्ट्रॉग वाली है आ, मेरे ख्याल से इसका जो गुगली है इस पर बहुत कंट्रोल है इनको और इनकी गुगली में एक खासियत यह है कि ये आगे से बॉल करने की कोशिश करते हैं जो ज़्यादा जंप होती है बॉल बैट्समैन के लिए मुश्किल होती है रीड करने के लिए मुश्किल होती है अच्छा एक और चीज़ मुझे बताएं कि पैसे कोच इन शस्तब आप कहाँ देख रहे हैं मेरे ख्याल से बड़ा ब्राइट फ्यूचर है जी और एक सबसे अच्छी बड़ी बात है हमारे नॉर्थ से ये आए हैं और हमारे कैम का हिस्सा बने हैं और बड़ी उम्मीदें हैं इनसे कि आगे परफॉर्म करें अच्छे लेवल पे खेलें फर्स्ट क्लास लेवल पे खेलें देखिए जो बेस्ट क्रिकेट हमारी इधर पाकिस्तान में होती है हो, फ़र्स्ट क्लास लेवल होता है उधर से ही आप प्लेयर्स लेते हैं वहीं से परफॉर्म करते हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं थैंक यू वेरी मच जैसा कि आपने कोच से सुना कि माशाल्लाह एक बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं फिर इनका रुख करेंगे और उनसे जाने के मैंने सुना है कि इनकी दो बॉल ऐसी हैं कि चेक नहीं होती एक बॉल चेक हो जाती है लेकिन दो बॉल ऐसे करते हैं इनकी चेक नहीं होती तो आखिर कौन सी ऐसी बॉल हैं जो आप कहते हैं कि बैट्समैन चेक नहीं कर पाता वो कौन सा हुनर है आपके पास मतलब कौन सी ऐसी डिलीवरी है जो बैट्समैन चेक नहीं कर सकता उसको नहीं जो अच्छे बैट्समैन होते तो वो तो चेक कर लेते हैं और जो नहीं होते वो उनसे उनको चेक करना काफ़ी मुश्किल होता है और मैं दो तीन तरह से गुगली करता हूँ और एक तरह से चेक नहीं होती दो तरह से चेक हो जाती है मुझे ये बताएँ कि मतलब आप जैसे ने कोच ने बताया कि आप आगे से गुगली करती हैं कि आपकी मतलब खासियत है आ, तो आप जो दूसरे स्पिनर हैं मास्ट उनसे कैसे आप अपने आप को डिफरेंट पाएंगे क्योंकि यासर शाह भी हमारे टीम में लेग स्पिनर है एज शदाब खान भी हैं तो इनके होते हुए जगह बनाना काफ़ी मुश्किल काम होता है तो फिर भी आप कैसे देख रहे हैं अपना फ्यूचर इनके होते हुए जी इन अपनी मेहनत कर रहा हूँ और एक दिन पाकिस्तान का रिप्रेजेंट करूँगा और आगे जाऊँगा जी आकिब और उनके कोच के आपने बात सुनी कि माशा एक खूबसूरत उभरता हुआ टैलेंट पाकिस्तान का और जल्द ही इन पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे ये नाम रोशन करेगा हमने इनकी बॉलिंग भी देखी बैटिंग भी देखी और इनकी बॉलिंग में जो खासियत है वैराइटीज़ की वो भी देखी कि बाल पड़ते आपने आपने आप सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल देखी होगी और हमारे टी वी स्क्रीन पर भी वीडियो वायरल देखी होगी कि कितनी खूबसूरत ये बॉलिंग करते हैं और बाल पड़ते ही जैसे लगता है कि मतलब इनमें एक जादोई जिसे कहते हैं जिसे आप मैचिशन कह सकते हैं इनके हाथ में जादू आ जाता है तो इन शाला जल्दी को टीम को रिप्रेजेंट करेंगे महनत इनकी जारी है कोचेस की मैंने जो है वो जारी है स्पेशल इनका जो डाइट प्लान है उस पर भी खासी तवज्जो दी जा रही है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का ये टैलेंट जल्द ही इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा